नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना दोस्त होगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। सोनम वर्मा बनी मेला क्वीन, तारुषी फर्स्ट और काजल रही सेकंड रनर अप। रोटरी क्लब ऑफ साउथ के दशहरा मेले में 3 दिनों तक तमाम प्रतियोगिताएं हुई। रंगारंग संगीत से शाम हसीन हुई तो रात आतिशबाजी से जगमगा उठी। झूले बच्चों से भरे रहे तो फास्ट फूड के स्टॉल पर युवाओं की भीड़ दिखी। आखिरी दिन का आकर्षण मेला क्वीन का चुना जाना रहा। लड़कियों ने मेला क्वीन बनने के लिए शानदार परफॉर्मेंस दी। प्रतियोगिता का ताज इस साल सोनम वर्मा के सिर सजा। तारुषी फर्स्ट रनर अप और काजल सेकंड रनर अप घोषित की गई। देर रात सतरंगी आतिशबाजी के बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी फूके गए। खानका नियाजिया में 1 और 2 नवंबर को होगा जश्न चिरागा। खानका नियाजिया की 3 सदी पुरानी रस्म है जश्न चिरागा। इसे मन्नतों का जश्न भी कहते हैं। मानता है कि जश्न चिरागा में जो लोग चिराग जलाकर मन्नतें मानते हैं वह पूरी हो जाती है। यह रस्म एक खुसूसी इबादत को अंजाम भी देती है और मुल्क की तहजीब को भी मजबूत करती है। यही वजह है कि इस रूहानी तकरीब में हर मजहब के लोग शामिल होते हैं। खानका के प्रबंधक शब्बू मियां नियाजी ने बताया कि खानका में 1 और 2 नवंबर को जश्न चिरागा की रस्म अदा की जाएगी। ड्राइवर से मारपीट पर विधायक सैजल इस्लाम पर मुकदमा। भोजीपुरा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक सैजल इस्लाम पर उनके ड्राइवर धर्मेंद्र कुमार ने मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया है। राजेंद्र नगर निवासी धर्मेंद्र पिछले 5 महीने से सैजल इस्लाम के यहाँ ड्राइवर हैं। विधायक शनिवार तड़के करीब 5 बजे ट्रेन से बरेली जंक्शन आए थे। उनके ड्राइवर का आरोप है कि विधायक ने जंक्शन से बाहर आते ही कार साफ न होने की बात कहते हुए अभद्रता करी। विरोध करने पर मारपीट करने लगे और धमकाया भी। फिर कार की चाबी छीन ली और खुद ही कार चलाकर ले गए। ड्राइवर को स्टेशन पर ही छोड़ दिया। ड्राइवर धर्मेंद्र की तहरीर पर जीआरपी ने मारपीट, धमकाने और SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं मामले में विधायक सैजल इस्लाम ने आरोप को झूठा बताया है। कहा कि ड्राइवर नशे में था, इसलिए खुद कार चला के ले गया था। अब वो कह रहा है कि मुझे मारा तो वहाँ CCTV लगे हुए हैं, उसकी जाँच करा ली जाए। SP विजिलेंस बोले, कोई रिश्वत मांगे तो तत्काल दे सूचना। पुलिस लाइन सभागार में सोमवार को विजिलेंस की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 9 जिलों के लोग शामिल हुए। इन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाया। विजिलेंस के SP अरविंद कुमार ने कहा कि सरकारी विभाग में अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगे तो तत्काल इसकी सूचना विजिलेंस को दें। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को सहन नहीं करना है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। SP ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाएं। लोगों की जागरूकता से ही भ्रष्टाचार का वायरस खत्म हो सकता है। आप लोग विजिलेंस को सूचना दें और हम आपकी मदद करेंगे। 8 दिन से लापता युवक का शव झाड़ियों में मिला, हत्या का आरोप। फतेहगंज पश्चिमी में बसंत विहार कॉलोनी निवासी ब्रजेश शर्मा 22 अक्टूबर की शाम घर से फरीदपुर के गांव सरकड़ा स्थित ससुराल के लिए निकले थे, तब से लापता थे। सोमवार सुबह ब्रजेश का शव मीरापुर रोड के पास झाड़ियों में मिला। पास में इंजेक्शन और सिरिंज पड़े थे। सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंच गए। इस दौरान परिजनों ने पुलिस पर गुमशुदगी न दर्ज करने का आरोप लगाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजने दिया। बाद में SP ग्रामीण मुकेश चंद मिश्रा मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दबंगों ने चक्रोट काटकर खेत में मिलाया, शिकायत पर पहुंची पुलिस। देवचरा के गांव पटरी में जिस चक्रोट को हाईकोर्ट के आदेश के बाद खाली कराया गया था, उसे दबंगों ने दोबारा हथियारों के बल पर काटकर खेत में मिला लिया। गांव निवासी कृष्णपाल की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो मामला सही पाया। पुलिस ने चक्रोट को खाली कराते हुए दबंगों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। चक्रोट को मनरेगा के जरिए मिट्टी डलवा कर बनवाया जाएगा, जिससे आगे उस पर कब्जा ना हो सके। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर आपस में भिड़े ट्रक चालक की मौत। शाहजहांपुर में थाना सिधौली के गांव भट्टपुरा निवासी कासिम ट्रक में लकड़ी लाद कर रामपुर जा रहे थे। उनके भाई हासिम हेल्परी कर रहे थे। तड़के करीब 4 बजे लखनऊ दिल्ली हाईवे पर फरीदपुर टोल प्लाजा के पास हरियाली नर्सरी के सामने आगे चल रहे ट्रक ने अचानक तेज ब्रेक लगा दिए, जिससे उनका ट्रक पीछे से उसमें जा घुसा। हादसे में कासिम की मौत हो गई जबकि भाई हासिम घायल हो गए। मंत्री ने लिखा पत्र, फिर भी डग्गामार बसों पर नहीं हुआ एक्शन। हापुड़ निवासी अमानत चौधरी पिछले दिनों सैटेलाइट बस अड्डे से दिल्ली जाने के लिए डग्गामार बस में सवार हुए थे। रास्ते में कंडक्टर ने उनसे किराए के लिए 500 रुपये मांगे, जबकि दिल्ली तक का किराया करीब 300 रुपये है। उन्होंने ज़्यादा किराया वसूलने की बात कही तो उन्हें जंगल में उतार दिया। अमानत चौधरी ने डग्गामार बसों के नंबर के साथ कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह से शिकायत करी तो उन्होंने SP ट्रैफिक को पत्र लिखा और डग्गामार बसों पर कार्रवाई को कहा, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जबकि डग्गामार बसों के चलते ना सिर्फ रोडवेज को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि यात्रियों से भी मनमाना किराया वसूला जा रहा है। पत्नी समेत ससुरालियों के परेशान करने पर युवक ने दी जान।
कैंट थाना क्षेत्र के गांव भरतौल निवासी मुकेश की शादी 2 साल पहले बनारस की रहने वाली सुहानी से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। 3 महीने पहले सुहानी को उसके मायके वाले बनारस ले गए और वहां मुकेश पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने समन भेजा तो मुकेश तनाव में आ गया, उसने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले उसे बेवजह परेशान कर रहे थे, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की वर्दी में युवक युवती के फोटो वायरल, तलाश जारी। थाना सिरौली और अलीगंज निवासी युवक युवती के पुलिस की वर्दी में फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। आरोप है कि दोनों इलाकों में वर्दी का रौब गाड़ते हैं। युवती खुद को इंस्पेक्टर और युवक दरोगा बताता है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी है। मदरसा टीचरों ने बकाया वेतन को लेकर केंद्रीय मंत्री को भेजा पत्र। मदरसा टीचर्स यूनियन सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंची और बकाया वेतन को लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी को डीएम के मार्फत पत्र भेजा। एटीयू के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कासिम ने बताया कि यूपी में 85,000 मदरसे आधुनिकीकरण योजना के तहत संचालित हैं। इनमें 21,000 टीचर हैं। इन टीचरों को केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाला 12,000 रुपये का वेतन करीब 5.5 साल से बकाया है। वहीं 6 महीने से राज्य सरकार से भी वेतन नहीं मिला है, इससे उनके परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। गोरखपुर के बीटेक छात्र ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, पुलिस ने भेजा जेल। बारादरी थाना क्षेत्र में रहने वाली 11वीं की नाबालिग छात्रा से गोरखपुर निवासी बीटेक छात्र ने पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती करी, फिर उसे दोस्त के कमरे पर ले गया और दुष्कर्म करा। नाबालिग का अश्लील वीडियो बना लिया और शादी का झांसा देकर बाद में मुकर गया। छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया है। थाना बारादरी क्षेत्र में एक 11वीं की छात्रा के साथ रेप की घटना की बात सामने आई है, जिसमें एक रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में बीटेक के छात्र को गिरफ्तार किया गया है। इंस्टाग्राम से इन दोनों की बातचीत प्रारंभ हुई थी और वीडियो, इन दोनों के जो पर्सनल वीडियो थे छात्र द्वारा, उसको ब्लैकमेल किया जाता था लड़की को, और इनमें आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के अंदर जो सुसंगत धाराएं उन मुकदमों को लिखित किया गया है। अभियुक्त को जेल भेजा जा चुका है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी अन अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।